हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गीत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में आज कुछ ऐसे प्लांट्स लाई हूं जो कि हार्ड टू किल प्लांट्स हैं यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ऐसे प्लांट्स जो आसानी से नहीं मरते हैं इसके पहले भी मैंने कई वीडियो शेयर किया हुआ है प्लांट्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को तो पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स जो आसानी से नहीं मरता ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि जब आप गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि प्लांट्स की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों को पहले से पता हो कि फ्रेंड्स प्लांट्स की देखभाल कैसे करते हैं तो प्लांट्स आप लोगों के ज़्यादा मरेंगे नहीं तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को तो पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स जो कि हार्ड टू किल प्लांट है वो है मनी प्लांट बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट इसे एलिफेंट ईयर मनी प्लांट भी कहते हैं बहुत बड़े बड़े पत्तियाँ होती हैं इसकी पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं वैसे तो मनी प्लांट्स की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं और आप किसी भी वैरायटी को अपने घर में लाकर रख सकते हैं क्योंकि मनी प्लांट को घर में लगाकर रखना भी बहुत शुभ माना जाता है तो पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है मनी प्लांट और इसको एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप बहुत आसानी से बना भी सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इससे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं तो पहला जो प्लांट था वो है मनी प्लांट दूसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए ये है डेफिन बेकिया प्लांट इसे डम केन भी कहा जाता है हालांकि ये बहुत ही पॉइजनस प्लांट्स होते हैं जहरीले पौधे होते हैं तो अगर अपने घर में आप लेकर आते हैं तो बहुत सावधान रहें जब इस पौधे के ऊपर काम कर रहे हो तो और बच्चों से और ख़ास तौर से बच्चों और पेट्स अगर रखा है आपने तो उससे दूर रखें कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं फ्रेंड्स इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं ये देखिए और बहुत सारी इसकी वैराइटीज़ आप लोगों को प्ला, प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगी तो ये था डेफिन देखिया जो कि ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले प्लांट्स होते हैं बहुत दिनों तक आपके घर में चलते रहेंगे इसके अलावा जो प्लांट है वो है फिलेडेंडन प्लांट ये देखिए फ्रेंड्स फिलेडेंडन प्लांट्स की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं बहुत ही ख़ूबसूरत प्लांट्स होते हैं हालांकि ये भी बहुत ही पॉइजनस प्लांट्स होते हैं तो जब भी काम करें तो बहुत केयरफुली काम करें ग्लव्स वग़ैरह पहन के हाथों में और काम करने के बाद अच्छे से हाथों को क्लीन किया करें ताकि आपके हाथ में कोई भी पॉइजनस पार्ट जो है इसका आपके हाथों में ना रह जाए इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं और ये एक एरियल रूट प्लांट होता है मनी प्लांट की तरह ये देखिए इसमें भी जगह जगह से रूट्स निकल आते हैं तो आप कहीं से भी जहाँ से रूट्स निकल आ रहे हों उसके नीचे से थोड़ी सी कटिंग करके और फिर उसको नए प्लांट पॉट में लगा सकते हैं तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं तो ये था फिले डंडन इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स जो कि हार्ड किल प्लांट्स है जिनको मारना आसान नहीं होता जल्दी वो है फ्रेंड्स ये देखिए चाइना फ़ैन पाम इसे टेबल फ़ैन पाम भी कहा जाता है और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है ख़ास बात यही होती है इन पौधों की कि एयर प्योरीफाइंग तो होते ही है हवा को साफ़ करने वाले और जल्दी मरते भी नहीं हैं ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है इन पौधों को और बहुत ख़ूबसूरत भी लगते हैं तो ये था टेबल फ़ैन पाम इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये बहुत ही पुराना प्लांट है मेरा इसके ऊपर कभी मैंने इस प्लांट में कभी कोई खाद नहीं दिया जब से मैंने इसको लिया है फ्रेंड्स कभी भी इसमें खाद नहीं दिया और ये फिर भी पानी भी इसको बहुत कभी जब दिख जाता है कि हाँ पानी नहीं है तो कभी कभार दे देती हूँ वैसे बिल्कुल ही इग्नोर हो गया है ये प्लांट फिर भी इसकी कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स ठीक ठाक चल रही है ये प्लांट अभी तक मरा नहीं है ये प्लांट को लिए हुए कम से कम छः सात साल हो गए हैं और इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है मैंने तो एक ही गमले में लगा हुआ है तो रिपोर्टिंग ना करने की वजह से ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ इतनी ही हो रही है अगर मैं इसे नए गमले में लगा दूं तो इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी क्योंकि इसकी जड़ों को ज़्यादा जगह जब तक नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन उनको अच्छे से नहीं मिलेगी इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी तो इसीलिए ये प्लांट इतने सालों से भी इसी गमले में लगा हुआ है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हुई है ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है इसकी फिर भी ये प्लांट बिना केयर के अच्छे से ग्रो हो रहा है तो सॉन्ग ऑफ इंडिया था ये प्लांट जिसको बहुत आसानी से नहीं मारा जा सकता वैसे तो फ्रेंड्स अगर प्लांट्स को मारना चाहते हैं आप अगर आपको शौक़ है प्लांट्स को कि मारे तो हर दिन पानी दिया कीजिए जो कि की बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्पाइडर प्लांट भी उनमें से एक है जो कि हार्ड टू किल प्लांट्स है आसानी से नहीं मरता बस ध्यान रखें कि इन पौधों में पानी एक बार जब देते हैं तो दोबारा तभी डालें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है क्योंकि ज़्यादा पानी कभी भी किसी भी प्लांट में नहीं देना चाहिए वरना प्लांट जो है जल्दी ही मर जाते हैं तो बस पानी आप लोग बैलेंस्ड वे में दिया करें वरना आपके प्लांट्स जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है अपने घर में तो पानी बैलेंस्ड वे में दें और थोड़ी सी देखभाल करते रहें तो यही थे कुछ हार्ड किल प्लांट्स जो आसानी से नहीं मरते हैं फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये प्लांट वीडियो पसंद आया होगा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय फ्रेंड्स टेक केयर